ये हैं शिवपाल यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। मंच से धमकी भरे अंदाज में कह रहे हैं कि वोट दोगे तो ठीक, नहीं तो बाद में हिसाब किताब होगा। धमकी भरा शिवपाल यादव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल बदायूं से अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद शिवपाल यहाँ जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और जनसभाएं कर रहे हैं। उनकी जनसभा का ही एक वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें चाचा शिवपाल वोटरों को ही धमकाने लगे। हाथ में माइक लिए मंच से शिवपाल यादव ने कहा कि हम सबसे वोट मांगेंगे, वोट दोगे तो ठीक, नहीं तो बाद में हिसाब किताब होगा। पहले उन्होंने कहा कि हम सबसे वोट मांगेंगे, जो देगा वो ठीक है, नहीं तो अपने लोग तो है ही जो लाखों वोटों से जिता देंगे। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके आगे ही शिवपाल ने कह दिया कि हम सबसे वोट मांगेंगे, जो देगा वो ठीक है, वोट नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। देखिए सब तो करेंगे, सबको वोट मांगेंगे, सब तक वोट मांगेंगे, हम तो सब तक वोट मांगेंगे हैं, जो देगा देगा, नहीं अपने लोग तो ही इतने तो लाखों से जिता देंगे। अच्छा बताओ दें तो दें, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। बस फिर क्या था, उनकी स्पीच की यही वो लाइन थी जिसकी वजह से उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया। वायरल वीडियो सहसवान विधानसभा क्षेत्र में हुई सभा का बताया जा रहा है। वीडियो एक हफ्ते पुराना बताया जा रहा है। शिवपाल की हिसाब किताब वाली बात सुनकर सोशल मीडिया पर लोग मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी के 2022 वाले वीडियो को खोजने लगे। साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास ने भी मंच में हिसाब किताब वाली भाषा बोली थी। अब्बास ने कहा था कि अखिलेश यादव जी से कह दिया है कि सरकार बनाने पर अधिकारियों का ट्रांसफर तब तक नहीं होगा जब तक हिसाब किताब ना हो जाए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूँ कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। भैया अब्बास के इस बयान के बाद आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उन पर केस भी हुआ था। बता दें बदायूं से अखिलेश ने चाचा शिवपाल को प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद वे चुनावी प्रचार में लगे हैं। हालांकि बीच में खबरें ये भी आई थी कि शिवपाल यहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, शिवपाल यादव यहां से अपने बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। शिवपाल ने हाल ही में यहां से चुनाव न लड़ने के संकेत भी दिए थे। अब माना जा रहा है कि यहां अंतिम समय में बदलाव हो सकता है।